साथियों, अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं, डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनके अंदर किस सब्जेक्ट के बारे में और किस टॉपिक के बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस के नाम लिखे हैं जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, और इनमें हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में चाहें तो MSc AG कर सकते हैं, विशेषता हासिल कर सकते हैं, और इन ब्रांचेस के अंदर विशिष्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पहली अगर ब्रांच देखा जाए तो नाम लिखा है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं या फसल शास्त्र कहते हैं। तो एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे खेत में हम लोग जो फील्ड क्रॉप लगाते हैं, हमारे खेत में हम लोग जो फसलें लगाते हैं, जिसके अंदर रबी, खरीफ और जायद में हम लोग तीन मौसम के अंतर्गत अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें, तेल वाली फसलें, शर्करा वाली फसलें, रेशे वाली जो फसलें होती है, तो हम कह सकते हैं कि सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप और ऑयल सीड क्रॉप, शुगर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ये जो फसलें होती हैं इनको हम लोग फील्ड क्रॉप कहते हैं, जो रबी, खरीफ या जायद इस मौसम में लगाई जाती है, और ये हमारे खाद्यान्न या फूड ग्रेन का बड़ा स्रोत होती है। तो इन फसलों का अध्ययन करना एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। दूसरा एक शाखा है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर को उद्यान शास्त्र कहते हैं, उद्यानिकी कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल, सब्जियाँ, शोभायमान ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो, और मेडिसिनल प्लांट और स्पाइसेस यानी कि मसाले वाली फसलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रूट या फलों के लिए पोमोलॉजी का एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों के लिए या वेजिटेबल के लिए ऑलेरिकल्चर का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण या फल और सब्जियों का परिरक्षण जो है वो यहाँ पढ़ना होता है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग यानी कि सजावटी बागवानी, जो पौधे होते हैं बागवानी फसलों का अध्ययन किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप जो होती है बागवानी फसलें उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से शोभायमान पौधे और जो मसाले वाली फसलें होती है वो, और जो मेडिसिनल औषधि फसलें होती है, इन तमाम फसलों के बारे में हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंदर अध्ययन करते हैं। और फिर बात करते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस का मतलब होता है मृदा विज्ञान, और आप जानते हैं कि जो मिट्टी होती है वो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनके जीवन का आधार होती है, उनके लिए हर प्रकार के जीव को पनपने के लिए जिस प्रकार से हम कहते हैं कि आधार की आवश्यकता होती है, बेसिक फंडामेंटल की आवश्यकता होती है, तो किसी भी प्रकार के पौधे को अगर हम खेत में लगाना चाह रहे हैं तो बिना मिट्टी के पौधे को हम उसको लगाना जो है वो इतना आसान नहीं है हमारे लिए। हालांकि आजकल ऐसी टेक्निक आ गई है कि बिना मिट्टी के पानी के अंदर हम लोग पौधा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और मिट्टी के अंदर पौधों को जब लगाया जाता है तो मिट्टी के कितने गुण होते हैं, मिट्टी के कौन कौन से भौतिक जो है उसके लक्षण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कौन कौन से हैं, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मिट्टी में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, कितने प्रकार के खनिज से मिलकर के मिट्टी बनी होती है, तो मिट्टी के निर्माण से संबंधित, मिट्टी के गुणों से संबंधित यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, तो वो सोइल साइंस या मृदा विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एक ब्रांच है एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। और आपको बता दूं मैं कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, कई प्रकार के कीट पतंगे हम लोग हमारे दैनिक जीवन काल में देखते ही हैं। सामान्य घरों में बात करें तो मक्खियां और मच्छर जो है वो हमारे घर में पाए जाते हैं। खेत के अंदर बात करें तो बहुत सारे जो कीट हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फसलों को नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन कुछ कीट जो है वो फायदेमंद या लाभदायक भी होते हैं, जिसमें मधुमक्खी, रेशम कीट और लाख कीट की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियल और हार्मफुल यानी कि लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कीट विज्ञान में इंसेक्ट, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, जिसको एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। बात करेंगे हम प्लांट पैथोलॉजी, नाम से स्पष्ट, प्लांट यानी कि पौधा और पैथोलॉजी यानी कि रोगजनक। तो यहाँ पर पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी, और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पौधे में लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये जो बीमारियां होती है कितने प्रकार से पौधों के अंदर लग सकती है, कितने प्रकार के रोगजनक होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, माइकोप्लाज्मा, नेमाटोड, ये जो होते हैं ये फसलों में कई प्रकार की बीमारियां या रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनका डिटेल जो स्टडी होता है, इनका विस्तृत जो अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, पादप की बीमारियों का, वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। और बात करें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो जेनेटिक्स को हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं और प्लांट ब्रीडिंग को पादप प्रजनन कहा जाता है। तो यहाँ पर जेनेटिक्स, आपको पता होगा कि जो
वंशानुगत या अनुवांशिक जो चीज़ें होती है हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, तो वंशानुगतिकी का अध्ययन करना, हेरिडिटी की स्टडी करना जेनेटिक्स में आता है, और प्लांट ब्रीडिंग में अलग अलग प्रकार के पौधों की नई नई वैरायटियां तैयार करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वैरायटीज, नई नई किस्में तैयार करना। हाइब्रिड सीड के बारे में आपने पढ़ा होगा, संकर बीज के बारे में, सिंथेटिक या कंपोजिट वैरायटी होती है, तो विभिन्न प्रकार की जो नई नई किस्में हैं, नए नए प्रकार के जो पौधे तैयार किए जाते हैं, और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के ऐसे अलग अलग वैरायटी हमारे सामने आ रही है। कपास के अंदर बीटी कपास का नाम सुनने को आ रहा है, मक्का के अंदर अलग अलग प्रकार की मक्का आ रही है, स्वीट कॉर्न जिसको हम कहते हैं अमेरिकन भुट्टा जो होता है वो हम अलग प्रकार की मक्का खा रहे हैं, चने अलग अलग प्रकार की जो वैरायटियाँ हैं चने के अंदर वो आ रही है हमारे सामने, और गेहूं की बात करें तो गेहूं में छोटा गेहूं भी आ रहा है और लंबा वाला गेहूं जिसको सरबती गेहूं कहते हैं, छोटे वाले गेहूं को हम लोग लोकवन या मेक्सिकन गेहूं कहते हैं। तो तमाम प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो वैरायटियाँ हैं, इन वैरायटियों को डेवलप करने के लिए नई नई किस्में, नए नए पौधे तैयार करने का जो काम करता है वो प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन जो है इस विभाग के अंतर्गत किया जाता है। और बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी भी पौधे के जो अनुवांशिक जो संगठन होता है, जेनेटिक जो कंपोजिशन होता है उसका, यानी हम कह सकते हैं कि पौधे के डीएनए के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन के माध्यम से उसके गुणों में सुधार किया जाता है, प्लांट को हमारे लिए और अच्छा लाभदायक या ज़्यादा लाभदायक बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या कृषि अभियांत्रिकी की बात करेंगे। मैं आपको बता दूँ ये पूरा पूरा जो सब्जेक्ट होता है ये प्लांट साइंस जो है सब्जेक्ट, इसके अंदर पूरा बायोलॉजी में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान जिसमें डीएनए के बारे में बात करते हैं उसकी स्टडी करके उसमें परिवर्तन करके पौधों के गुणों में नए नए कैरेक्टर लाए जाते हैं, तो वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर, जिसमें टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ऊतक संवर्धन जिसको कहते हैं वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आता है। फिर बात करें सीड टेक्नोलॉजी, नाम से स्पष्ट है सीड मतलब होता है बीज और टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बीज किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, बीज की अलग अलग कैटेगरी होती है, और बीज में क्वालिटी को किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में उत्पादन तभी बहुत अच्छा मिल पाएगा जब हमारे पास में अच्छी क्वालिटी का सीड या अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पन्न हो पाएगा। तो बीज अगर हमारे पास में अच्छा अवेलेबल है तो बीज कैसे तैयार किए जाए, बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज में शुद्धता कितने प्रकार की होती है, और बीज की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये सारा हम लोग सीड टेक्नोलॉजी या बीज प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं। और बात करेंगे फूड साइंस या खाद्य विज्ञान, देखो फूड साइंस मतलब भोजन, और भोजन भोजन को किस प्रकार से भंडारित करके रखा जाए। फूड साइंस में आपको पता है कि भोजन, अगर मान लीजिए खेती के अंदर हमारे उपयोग के लिए भोजन का अगर उत्पादन हुआ है, खाद्य पदार्थ का, अनाज का, दालों का उत्पादन हुआ है, तो उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उनको लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए लंबे समय तक संभाल के रखना पड़ता है। तो फूड साइंस के अंदर भोजन से संबंधित, भोजन को खराब होने से बचाने संबंधित, और लंबे समय तक भंडारित करके जब हम रखते हैं, तो इन तमाम बातों के लिए हमें फूड साइंस के बारे में पढ़ना होता है। फिर बात करेंगे हम फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट्री को वानिकी कहते हैं। फॉरेस्ट्री में एक शब्द है फॉरेस्ट, वानिकी, वनों का बड़ा महत्व होता है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक वनों का जो एरिया होता है वो इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ही है, और परिस्थिति का जो बैलेंस बना हुआ है, इकोसिस्टम का जो बैलेंस बना हुआ है वो वनों की वजह से बना हुआ है। वन जो है कई प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, और बारिश कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, इन सब के लिए वनों का बड़ा योगदान है। तो वन के बारे में अलग से, फॉरेस्ट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको वानिकी या फॉरेस्ट्री कहा जाता है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, कृषि अर्थशास्त्र में बैंकिंग, वित्त व्यवस्था, फाइनेंस के बारे में पढ़ना है हमें, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ दी क्रॉप्स, सिस्टम ऑफ दी क्रॉप्स, और यहाँ पर किसान की जो वित्तीय व्यवस्था होती है, किसान जो फसल लगाता है तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था कैसे होगी, उसको किसान को जो पैसे की आवश्यकता होती है उसका मैनेजमेंट उसको कैसे करना है, किसान की वित्तीय व्यवस्थाओं को किस प्रकार से सुधारा जाए, किसान को ऋण कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये तमाम प्रकार की जो बातें होती है तो ये कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ी जाती है। फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसारिकी, प्रसार मतलब कि फैलाना। तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में, इस सब्जेक्ट के अंदर
कृषि की नई नई जो टेक्नोलॉजी हमारे कृषि वैज्ञानिक जो आए दिन निकालते रहते हैं, कई प्रकार के हमारे कृषि अनुसंधान पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, तो अलग अलग रिसर्च सेंटर पर, अलग अलग कृषि अनुसंधान संस्थाओं पर जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी जो हमारे वैज्ञानिक लोग निकालते हैं, उसको किसानों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए। किसान किसी भी नई चीज़ को अचानक से अपनाता नहीं है, तो किसान को उस नई चीज़ को अपनाने के लिए किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, किस प्रकार से उसका उत्साह बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार से वैज्ञानिक लोगों की अनुसंधान को किसान तक पहुंचाए। और किसान की जो समस्याएं होती है, किसान की जो नई नई समस्याएं आ रही है, कीटों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, अलग अलग वैरायटियों से संबंधित, ये किसान की समस्याओं को वैज्ञानिक तक अवगत कराया जाए, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन किस प्रकार से स्थापित हो सकता है, वो संचार को बढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हम बात करेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, और अब जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है ये पशुधन पशुपालन से संबंधित हमारा एक सब्जेक्ट है। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में पशु का बड़ा योगदान रहा है, और आपको मैं बता दूं कि भारत जो है वो पशुधन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। तो पशुओं का योगदान हमारे एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, और हमारी जो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर सबसे अधिक जो योगदान है वो पशुधन का ही है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं जिनको हम लोग दूध के लिए या फिर ऊन के लिए या फिर मांस के लिए पालते हैं, तो ये पशु हैं, इनकी अलग अलग नस्लें हैं, इनकी फार्मिंग से संबंधित कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इनका क्या महत्व है, और कौन सी नस्ल को काय के लिए पाला जाता है, तो यहाँ पर पशुपालन संबंधी हम जब बात करेंगे, जिसमें हम गाय भैंस भेड़ बकरी ये जो हमारे मुख्य पशु, उसके अलावा आजकल पिग्रीज यानी कि सुअर पालन भी अपनाया जा रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यहाँ पर पशुधन के बारे में और पशुपालन के बारे में बात की जाती है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या कृषि अभियांत्रिकी। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसका बड़ा महत्व है, तो यहाँ पर कृषि के अंदर अलग अलग प्रकार की जो मशीनरीज, जो अलग अलग मशीन हम इस्तेमाल में आते हैं, और यहाँ पर यंत्र या यांत्रिकी की हम बात करेंगे, तो कई प्रकार की जो मशीनरी है वो उन्होंने आजकल हमारे एग्रीकल्चर में खेती करना बड़ा आसान बना दिया है, और हम देखते हैं कि मशीनों की वजह से अब हम बहुत कम समय में हमारा काम कर लेते हैं, चाहे वो फसलों की कटाई क्यों ना हो, हार्वेस्टिंग की बात कर ले, या फिर हम थ्रेसिंग की बात कर ले, या फिर हम ग्रेडिंग की बात कर ले, या फिर बुवाई की ही हम बात कर ले, या खेत को तैयार करने की बात कर ले, तो जो अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं, अलग अलग मशीनों का क्या योगदान है, उसमें उनकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, कम खर्च में, कम डीजल में, कम पेट्रोल के खर्च में, कम ऊर्जा के साथ में मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो ये तमाम प्रकार का जो एग्रीकल्चर के अंदर इंजीनियरिंग वाला जो वर्क होता है, अभी मशीनों का जो काम है वो यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात करेंगे फिशरीज या मत्स्य पालन, तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि जो फिशरीज होती है मत्स्य पालन, उसमें मछली पालन के बारे में हम पढ़ते हैं, और मछली पालन के बारे में आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो तटवर्ती इलाके हैं हमारे, वहाँ पर कोस्टल एरिया में, और मत्स्य पालन के लिए पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, तो यहाँ पर मछली पालन बड़े व्यापक पैमाने पर होता है, और हमारे आहार में मछलियों का भी बड़ा योगदान है, ये बड़ा अच्छा प्रोटीन का स्रोत होती है, तो यहाँ पर मछली पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको हम फिशरीज कहते हैं। और मत्स्य के बाद हम बात करेंगे डेयरी साइंस, हालांकि डेयरी साइंस हम लोग लाइव स्टॉक के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन जब स्पेशली बात करेंगे दूध और दूध से बने हुए उत्पाद यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और उसकी टेक्नोलॉजी, तो हमें अलग से एक डिपार्टमेंट पढ़ना है, इसका नाम है डेयरी साइंस। और डेयरी साइंस के बाद में नेक्स्ट है पोल्ट्री साइंस या पोल्ट्री फार्मिंग, और पोल्ट्री फार्मिंग में अलग अलग जो पक्षी होते हैं उसमें खास करके पोल्ट्री में कुक्कट यानी मुर्गी पालन के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे दैनिक आहार में अब अंडा शामिल हो गया है, अंडे को पहले लोग मांसाहारी मानते थे, लेकिन अब अंडे के बारे में धारणा जो है वो बदल गई है कि अंडा हमेशा मांसाहारी नहीं होता, अंडा शाकाहारी भी होता है अगर वो अनिश्चित अंडा होता है, तो मुर्गियों से हमें अंडा प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, और मेन्यो यानी कि खाद प्राप्त होती है, तो पोल्ट्री फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में हमें अलग से अगर पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट जो है पोल्ट्री फार्मिंग, उसको डिटेल में हम देख सकते हैं। और फिर एक डिपार्टमेंट है प्रॉन और श्रिम्प कल्टीवेशन, और प्रॉन और श्रिम्प को हम कहते हैं कि झींगा पालन, और आजकल मनुष्य के आहार में प्रॉन और श्रिम्प जो है इनका भी बड़ा योगदान है, कई लोग जो होते हैं वो सी फूड या समुद्री भोजन खाना पसंद करते हैं, और आजकल लोग भाग अपने यहाँ पर प्रॉन कल्चर भी करते हैं। तो भैया अब आप देखिए यहाँ पर कि एग्रीकल्चर के अंदर इतने तमाम प्रकार के जो मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं, ये मेजर जो डिपार्टमेंट है, मुख्य जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो ब्रांचेस है, इन ब्रांचेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको बता दूँ, वो छात्र, वो स्टूडेंट
जो ये समझते हैं कि 12th के बाद हम लोग अगर एग्रीकल्चर में जाते हैं, कृषि में जाते हैं, तो क्या हमें सिर्फ फसल उत्पादन के बारे में और पशुपालन के बारे में ही पढ़ना है? तो देखिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखें तो ये साइंस का ही पूरा सब्जेक्ट है, और साइंस में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन दोनों के कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली बायोलॉजी को हम लोग दो ग्रुप में पढ़ते हैं, बोटनी और जूलॉजी के रूप में। तो यहाँ पर बोटनी और जूलॉजी, उसके हिसाब से हमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। मैथमेटिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर जब बात करेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी जो होता है, और उसके बाद हम यह बात करेंगे कि ये जो प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इनमें जो मशीनरी इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं, कई प्रकार की जो मशीनें खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर बिना मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के पढ़े हम लोग उस मशीन के बारे में और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर को हमें एक सरल शब्दों में अगर परिभाषित करूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर, यानी कि समस्त प्रकार के कल्चर को मिला दिया जाए तो वो एग्रीकल्चर बनता है। तो साथियों, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सिर्फ फसल उत्पादन या पशुपालन तक सीमित नहीं है, यहाँ पर साइंस के पूरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनका यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समावेश किया गया है। तो एग्रीकल्चर साइंस या कृषि विज्ञान हम कहेंगे। यहाँ पर बायोलॉजी के सब्जेक्ट भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि मैथमेटिक्स के होते हैं। तो एक तो आप लोग जिनको ये पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में क्या मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है या क्या बायो भी पढ़ना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और दूसरी बात कि एग्रीकल्चर जब हम बात करेंगे, यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट के पश्चात, इन शाखाओं के पश्चात एग्रीकल्चर में अब हम फसल उत्पादन के साथ साथ में और किन किन प्रकार की खेतियाँ, कितने प्रकार की फार्मिंग या कितने प्रकार के कल्टीवेशन हम करते हैं, अब इसके बाद में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर में कितने प्रकार के जो कल्चर हैं जिनके नाम हम पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट, अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक हैं और उनके बारे में जो खेतियाँ की जाती है, अभी हम इसके बाद में ये पढ़ने वाले हैं।